तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ट्रैकर टेक एएसटी। मैं हूं अजीत सिंह छावड़ा और आज फिर लेके आया हूं बहुत ही शानदार से प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन। सो आप जैसे कि थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम किस एलईडी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो ये है वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी एलईडी द फ्रेम, सैमसंग ने जो लॉन्च की है न्यू मॉडल। हम आ चुके हैं इंदौर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे, द ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी में। हमारे साथ है मिस्टर संतोष जी। सो संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। प्लीज आप बताइए कि ये टीवी एलईडी क्यों इतना खास है और क्यों बेहतरीन है, ये थैंक यू, क्यों इतना अभी आने बहुत डिमांड में है। थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टोर के अंदर। सर देखिए सर, मैं आपको एक ऐसा टीवी आज दिखाने जा रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि सर आपने बहुत सारे एलईडी टीवीज देखे होंगे, उन एलईडी टीवीज के अंदर सर आपने उसके अंदर ओटीटी चैनल्स के बारे में देखा होगा, उसकी पिक्चर क्वालिटी के बारे में समझा होगा, उसकी साउंड क्वालिटी के बारे में समझा होगा। बट ये एक ऐसा टीवी है जिसके अंदर हम एंटरटेनिंग के साथ साथ के अंदर हमारे घर पर एज अ फ्रेम का भी लुत्फ उठा सकते हैं। सर आपने देखा होगा कि जैसे सपोज अगर यहाँ पे मेरे सामने आप देख रहे हैं कुछ 4 से 5 टीवी लगे हुए हैं, ये सारे टीवी एक तरीके से ब्लैक बॉक्स है। बट ये टीवी के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं पे कहीं ना कहीं मैंने घर के अंदर पेंटिंग्स लगा के रखा हुआ है। पर ये कोई पेंटिंग नहीं, नहीं कोई फ्रेम है सर। ओके, पर ये जो है एक नॉर्मल टीवी है, एक नॉर्मल वही मैं बिल्कुल मतलब जब मैं आया हूँ स्टोर पे, जब भी देखा तो मैंने यार ये है क्या चीज, ऐसा लग रहा है सनरूफ लगा के रखी आपने एलईडी में। नहीं तो ये सबसे बहुत ही इसकी यूनिक चीज है कि ये टीवी है, जस्ट आपको अभी भी देखो ऐसा लग रहा होगा कोई यानी वीडियो के अंदर कि ये कि सनरूफ लगा हुआ है सामने और बाकी सभी एलईडी हमने बंद करके रखी हुई है, लेकिन ये एक्चुअल में दोस्तों ये एलईडी है, इसलिए इसको द फ्रेम कहा गया क्योंकि एक फ्रेम है एक प्रकार से। यस सर। और प्लस इसका जो अभी लेटेस्ट मॉडल है ये LS03B मॉडल है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, प्लीज बताइए संतोष जी इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए सबसे पहला बेनिफिट ये है कि सर जैसे सपोज हम इस टीवी के बारे में बात करें तो ये टीवी जो है इसके अंदर एज अ फ्रेम टीवी है, फुल कंप्लीट 4K स्मार्ट एलईडी टीवी है। उसके साथ साथ इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 100 हर्ट्ज पे रन करने वाला होता है, जबकि गेमिंग कंसोल आप चलाते हैं तो ये 120 हर्ट्ज पे भी चला जाता है। मतलब सबसे लेटेस्ट रिफ्रेश रेट इसके अंदर अभी है, मतलब अगर आपको फ्रेंड्स इसके अंदर 100 टू 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, मतलब अगर कोई प्लेस्टेशन 5 अगर आप खेलने का आप शौकीन रखते हैं तो आप ये टीवी आराम से परचेस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 4K अल्ट्रा HD आपको सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल सपोर्ट करती है। एंड 120 हर्ट्ज मतलब अगर आप मूवी का शौकीन है, अगर आप हॉलीवुड मूवीज या कोई एक्शन मूवीज ऐसे देखते हैं जिसमें बहुत फास्ट सीन्स होते हैं, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी है एक एग्जाम्पल, तो आपको वो इसके अंदर जो आप सीन देखेंगे तो कोई भी ब्लर नहीं होगा। या न्यूज़ चैनल के जो न्यूज़ देखना चाहते हैं, न्यूज़ के ज़्यादा शौकीन है तो उसमें जो हेडलाइंस चलती हैं तो हेडलाइंस में जो नॉर्मल टीवी में ब्लरनेस आती है वो इसके अंदर नहीं आएगी क्योंकि इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ पे वर्किंग करता है। यस सर। इसके साथ साथ सर ये वर्ल्ड का बेस्ट टीवी है और पहला टीवी ऐसा है जिसके अंदर बैकग्राउंड का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है। जैसे सपोज आपने देखा होगा कि ये ऊपर की टीवी के अंदर ये बाहर की लाइटें ये सब दिख रही है और उससे क्या होता है इसमें आप ब्लैक करेंगे एक बार व्यूअर्स को बताएंगे। बिल्कुल सर, क्यों नहीं सर, और ऐसा क्यों है वो भी बताइएगा। जैसे फ्रेंड्स आप जैसे सर बता रहे हैं कि ये वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा टीवी है जिसके अंदर कोई लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं है, जैसे आप ऊपर की टीवी भी देख रहे हैं तो उसमें लाइट्स कि आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो लाइट्स दिख रही है उसके अंदर डायरेक्ट दिख रही बंद होने के बाद, तो वैसे ही हम देखना चाह रहे हैं इस टीवी के अंदर। देखिए अब ये टीवी पूरी तरह से बंद हो गया है लेकिन इसमें लाइट का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब ये फुल ब्लैक टीवी है जैसा ब्लैक जेड होना चाहिए, पूरा फुल ब्लैक है और ऊपर फुल ब्लैक होने के बाद उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ऐसा क्यों है संतोष जी? देखिए सर ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो कंपनी ने सैमसंग कंपनी ने जो पैनल यूज करा है वो मैट डिस्प्ले यूज करा है। क्या बात है, मैट डिस्प्ले का बेनिफिट ये होता है कि सर एक तो इसके अंदर जो कलर्स होते हैं वो लाइट ब्लैक कलर्स होते हैं, काफी ज्यादा देर तक अगर आप टीवी देखना चाहते हैं तो कभी भी इसके अंदर इस तरीके की हमें कोई प्रॉब्लम से नहीं आती है कि आंखों के ऊपर स्ट्रेस आ जाए या फिर जैसे सपोज थोड़ा सा ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा आंखों में जलन सी हो रही है या फिर बाहर का रिफ्लेक्शन, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर मैट डिस्प्ले यूज हुआ है। दूसरा सर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ 1600+ 8 मोड दिए हुए हैं, 1600 आर्ट्स मोड है। यस सर। सो फ्रेंड्स मतलब यानी आप इसको 1600 मोड्स पे आप इसको आर्ट्स वर्क चला सकते हैं, मतलब नॉर्मली अभी जो आपने देखा था एक सिंगल अभी आर्ट वर्क लगा हुआ था वैसे इसके अंदर 1600 आर्ट मोड्स हैं। प्लस ये वर्ल्ड का मात्र ऐसा टीवी जो पूरा यानी मैट फिनिश में बना हुआ है, मतलब मैट फिनिश में इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है जो मैं समझ रहा हूँ कि इसको आप कितने भी घंटे तक देखेंगे तो आपको कभी ऐसा भारीपन आइज में नहीं लगेगा और ऐसा कोई आपको यानी पूरा कूल रहेगा, मतलब आप कितनी देर भी इसको वीडियो को कितने आगे से भी देख रहे हैं या कितना बैक साइड से पीछे से, तो आपको एक जैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला टीवी का या साइड से देख रहे हैं, जिसका यही सबसे बड़ा बेनिफिट मिला। बिल्कुल सर। और आर्ट वर्क मतलब 1600 है तो मतलब ये कंटिन्यूशन में रन होते रहेंगे ऑटो मोड। बिल्कुल सर। देखिए आप इसे नेट से कनेक्ट करेंगे, नेट से कनेक्ट करने के बाद में जब भी आपको लगता है कि जैसे सपोज 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद या 1 दिन 2 दिन जैसे सपोज हर दिन चाहते हैं तो आप हर दिन इसको चेंज कर सकते हैं इस मोड को, या अगर आप चाहते हैं कि हर घंटे मुझे चेंज करके कोई नया
फ्रेम मोड लगाना हाँ। है या कोई नया पेंटिंग लगाना है तो इजीली इसको okay. लगा के। एंड ये बाकी बहुत सुंदर भी लग रहा है क्योंकि देखिए इसके अंदर ये जो है इसका फ्रेम का आता है ये कि अलग से इसमें नहीं सर, देखिए इसकी एक नॉर्मल मैट डिस्प्ले होती है हाँ। सभी में आपने देखा होगा जो बॉर्डर होती है सब में ब्लैक है, इसके अंदर ब्लैक बॉर्डर होती है, बट ये जो देख रहे हैं आप ये अलग से कंपनी ने इसकी एक फ्रेम स्टिक दी हुई है। ओके नॉर्मली सर इसके अंदर कुछ 4 to 5 कलर्स होते हैं, आपके घर के अंदर जैसे भी अपने जो भी वो इंटीरियर रखा हुआ है उस इंटीरियर को मैच करने के हिसाब से आप अलग से इसकी एक बेजल लगा सकते हो। कंपनी की तरफ से जो कंपनी फ्री देती है वो टिक कलर होता है, अभी राइट नाउ एक फ्री ऑफर में चल रहा है मतलब यार यार। तो फ्रेंड इसके साथ अभी एक तो आपको ये फ्रेम साथ में फ्री मिल ही रहा है टिक कलर में, जैसे कि देखिए इनके मैचिंग से लगाया तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई एलईडी लगा हुआ है, इसमें लग रहा है जैसे सीनरी लगी हुई। तो ऐसे आपको 4 to 5 फ्रेम्स और अभी लॉन्च की हुई है तो वो भी कलर्स में मिल जाएगी आपको, आपके इंटीरियर के हिसाब से आप वो ले सकते हैं कंपनी से परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप राइट नाउ ग्रेट डिस्टेंस से टीवी परचेस करते हैं तो आपको ये फ्रेम फ्री मिलता है। बिल्कुल सर। इसके साथ साथ सर इसके अंदर एक और एडिशनल फीचर है, जनरली क्या होता है कि सर इस टीवी को आप देख रहे हैं ये जीरो गैप वॉल माउंट में लगा हुआ है, जीरो गैप हाँ, उसका हाँ, क्योंकि सारी टीवी बहुत ही बाहर है yes, और ये टीवी एकदम वॉल से कनेक्टेड है। बिल्कुल तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर बाकी कनेक्टिविटीज कैसे हो रही है सर? इसके अंदर अगर आप देखोगे कि एक ये छोटा सा एक वन कनेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। क्या बात है। हाँ सर ये टीवी इसी से चल रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल, आप पावर कनेक्टिविटी उसके बाद पेन ड्राइव HDMI वगैरह सब सारा। हमारे व्यूअर्स को बताइए देखिए ये बॉक्स किस टाइप का है। यस सर, इसके अंदर सारी कनेक्टिविटीज आपको मिल रही हैं। यहाँ पे साइड में आपका HDMI पोर्ट है, पीछे USB पोर्ट है, इसमें साइड में HDMI पोर्ट, नेट की कनेक्टिविटी दी हुई है, लैन केबल लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, इसके अंदर ऑक्स केबल कनेक्ट कर सकते हैं, साथ में आपका ऑप्टिकल केबल भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब इसके अंदर आपको थोड़ा बेनिफिट है कि A to Z कनेक्टिविटी मिल रही है, वन कनेक्ट बॉक्स है। अगर आपके इंटीरियर के नीचे आप इसको कहीं हिडन भी करके रखना चाहे तो रख सकते हैं, जस्ट टीवी में आपको तो फिर इसमें केबल कहाँ है सर? एक बहुत पतला सा केबल लगेगा। क्या बात है, हाँ। तो केबल दिखा भी नहीं मुझे। बैलेंस जो वायरिंग वगैरह होती है अदर टीवी के अंदर, ट्रांसपेरेंट केबल है इसके अंदर, तो पूरा टीवी एक केबल के थ्रू चल रहा है मतलब यानी। यस सर, बहुत ही प्यारा इनोवेटिव सैमसंग ने किया है, बहुत ही गजब है। इसके साथ साथ सर इस टीवी के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये कम्प्लीटली 4K अल्ट्रा HD विद कम्प्लीट स्मार्ट टीवी है। ओके प्लस ये स्मार्ट रिमोट के साथ में रन होता है। क्या बात है। जैसे तो फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर मैंने इतना छोटा सा रिमोट है। यस सर यस सर। और ये पीछे क्या है इसमें सर? ये सोलर सेल रिमोट बोलते हैं इसको। ओके ये रिमोट जो है ये इसके अंदर कभी भी आपको लाइफ टाइम सेल डालने की जरूरत नहीं होती है, ना ही कभी इसे किसी चार्जर वगैरह से चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी आपको। फ्रेंड्स मतलब जैसे सर ने बताया कि ये वर्ल्ड का सबसे मतलब यानी सबसे स्मॉलेस्ट रिमोट ही दिख रहा है मुझे, यानी इस टीवी के साथ आ रहा है। नहीं तो टीवी में आज की डेट में जो भी नए टीवीज आ रहे हैं उनमें बहुत बड़े बड़े रिमोट्स आ रहे हैं, तो ये एक ऐसा रिमोट है, इतना कॉम्पैक्ट रिमोट दिया हुआ प्लस सोलर सेल के साथ है, मतलब आपको लॉन्ग लाइफ तक इसको यानी देखने की जरूरत नहीं, बैटरी चलाने की जरूरत नहीं है सर। मतलब एक ऑटो मोड पे चार्ज होता है, जब भी आपको नीड नहीं होता है सोलर का, मतलब ये कि आप जहाँ पे आपका लाइट चल रहा है घर का तो इससे चार्ज होगा। यस सर, उसके थ्रू ये हमेशा कंटिन्यू वर्किंग करता है। आप घर के अंदर की इंडोर आउटडोर बाहर की जो भी लाइट्स वगैरह है उससे भी चार्ज हो जाता है। ओके आपके घर के अंदर वाईफाई लगा हो तो वाईफाई की वेव से भी चार्ज हो जाता है। अच्छा बिल्कुल सर। अभी वायरलेस चार्जिंग भी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, वायरलेस चार्जिंग भी मिल रहा है। एंड इस रिमोट के और क्या बेनिफिट्स हैं? एक बेनिफिट से ये भी है सर कि ये जो रिमोट है ये यूनिवर्सल रिमोट है, आपके घर के अंदर सेटअप बॉक्स है, ब्लूरे डीवीडी है, होम थिएटर या स्मार्ट डिवाइसेस है, स्मार्ट LED लाइट्स है, स्मार्ट फैंस है, स्मार्ट डोर बेल्स वगैरह, तो आप इससे भी उसे ऑपरेट कर सकते हैं, टीवी फैन वगैरह इन सबको कनेक्ट करके इससे भी। सो फ्रेंड्स इस रिमोट की एक और खासियत है कि ये यूनिवर्सल रिमोट आपको इसके साथ मिल रहा है, मतलब एक रिमोट से आप अपने घर के सारे स्मार्ट डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो सैमसंग ने मेरे ख्याल से कोई कसर नहीं छोड़ी है लग रहा है आज के डेट में, मतलब ये मेरे ख्याल से OLED से भी बेटर प्रोडक्ट मेरे को दिख रहा है लाइट नो। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसके अंदर और क्या बेनिफिट? एक चीज और सर इसको और सबसे बढ़िया मिलेगी कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम जैसे दूसरी टीवीज के अंदर देखते हैं जी, तो उसमें क्या होता है कि सर ज्यादा से ज्यादा हमको OTT साइट्स मिलती है, मतलब बिल्कुल, जैसे Netflix, Amazon, Hotstar वगैरह ये होता है, बट इस टीवी के अंदर हमको सबसे बढ़िया बेनिफिट ये हो रहा है कि इसके अंदर एक Samsung TV Plus ऐप दिया हुआ है। ओके यस, ये Samsung का पैटर्न है सर, पेटेंट एप्लीकेशन से। इसके अंदर क्या होता है कि इस एप्लीकेशन के थ्रू जब भी आप वाईफाई से कनेक्टिविटी करोगे, अगर आपने नेट सेटअप बॉक्स नहीं भी लगाया होगा हाँ। तो भी आप इसमें नेट कनेक्टिविटी के बाद में 100+ चैनल देख सकते हैं, जिसमें HD और नॉर्मल प्लस रीजनल चैनल्स सारे मिले लेंगे आपको। सो फ्रेंड्स मतलब सैमसंग ने आपको और एक और बेनिफिट दिया हुआ है कि अगर आपको अगर घर में सेटअप बॉक्स नहीं लगाना है और नॉर्मली आपको ये टीवी अपने वाईफाई से कनेक्टिंग करना है तो भी आप इसके अंदर 100+ चैनल्स फ्री देख सकते हैं। सैमसंग ने अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड किए वो फीचर्स इसके अंदर। अभी सर कौन सा सॉफ्टवेयर आ रहा है मतलब सैमसंग का लेटेस्ट? देखिए सर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये Tizen ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके
और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंपनी का खुद का कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं है। अच्छा। उसके बाद आप इसे जब भी अपडेट करना चाहे सर अपडेट कर सकते हैं, आप नेट से कनेक्ट करोगे ये ऑटो अपडेटर हो जाएगा, बस आप नेट से कनेक्ट। इस सॉफ्टवेयर का मतलब यानी फ्रेंड्स कंपनी ने खुद का अपना टाइजन सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। टाइजन सॉफ्टवेयर वैसे भी मैं जानता हूँ कि इतना बेस्ट होता है कि इसके अंदर हैंग की इश्यूज कभी नहीं आते हैं। ये बेसिकली क्लाउड बेस्ड पे वर्किंग करने वाला सॉफ्टवेयर है। आपको कभी भी ये टीवी आप जितने भी लॉन्ग लाइफ तक रन करेंगे ये जैसा एक्सपीरियंस फर्स्ट डे मिल रहा है वैसे ही आपको हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि मैंने खुद यूजर हूँ। मैं टाइजन सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया हुआ है, LG यानी सैमसंग का मैंने टीवी यूज़ किया है, तो मुझे मालूम है कि मैंने 5-6 साल पहले भी टीवी लिया था, आज भी वैसा लगता है कि न्यू टीवी है। बिल्कुल, तो मतलब ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है फ्रेंड इसके अंदर आपको, जो इस टीवी के अंदर भी दिया हुआ है। साथ में नया जो अपग्रेडेशन मिला है आपको कि आपको Samsung TV Plus में 100 प्लस चैनल्स के साथ मिल रहा है आपको। और क्या बेनिफिट्स हैं सर इसके? इसके साथ साथ सर इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो आपको एक मल्टी व्यू बेनिफिट्स भी है सर। अच्छा। मल्टी व्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने देखा होगा कि हम जब नॉर्मल 4K टीवी लेते हैं या मोबाइल का डिस्प्ले शेयर करते हैं तो मुझे या तो मैं टीवी देख पाता हूँ या मोबाइल का डिस्प्ले शेयर करूंगा तो वो वीडियो देख पाऊंगा। बट इस टीवी के अंदर मल्टी व्यू का फीचर्स होने की वजह से मैं दोनों चीजें एक साथ देख सकता हूँ। एक साइड अगर मैं चल रहा है या कोई मुझे न्यूज की हेडलाइंस वगैरह देखनी है तो मैं वो भी काम कर सकता हूँ। दूसरा मुझे कोई ऑफिशियली अगर मेरा फोन पे मुझे काम करना है तो एक डिस्प्ले मुझे मोबाइल की भी मिल जाएगी, एक टीवी की भी मिल जाएगी। उधर भी मुझे कोई मैसेजेस या मेल वगैरह करना है तो मैं भी इसके अंदर मल्टी व्यू का ऑप्शन भी मिल रहा है आपको, कि सैमसंग के अंदर ही आता है मल्टी व्यू ऑप्शन, मैंने किसी और ब्रांड में नहीं देखा। मल्टी व्यू का बेनिफिट ये है कि आप एक ही स्क्रीन के अंदर दो स्क्रीन चला सकते हैं। एक में आपके घर में अगर कोई प्रोग्राम या आप मैच देख रहे हैं तो ओनली स्कोर या न्यूज देख रहे हैं तो न्यूज की हेडलाइंस चलती रहेंगे, न्यूज देखते रहेंगे चैनल। एंड दूसरी जगह आपको अपना वर्क करना तो वो वर्क करते रहेंगे, तो बेनिफिट मिलता है। और मैंने सुना है कि इसके अंदर आपको पूरा अपना जो लैपटॉप का काम है वो भी इसमें कर सकते हैं, इसमें वर्ड ऑफिस कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए अगर आप जैसे सपोज आपने देखा होगा दूसरी टीवीज के अंदर कि सिर्फ सिंपली हम टीवी का ही काम करते हैं, पर ये एक ऐसा टीवी है जिसके अंदर आप आपका ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं। इसके अंदर वो आपको वर्ड एक्सेल पीपीटी वगैरह ये भी चल जाता है सर। ये जैसे सपोज विंडोज पीसी दिया हुआ है, इसके अंदर आपको वर्ड मतलब ऑफिस 365 चलाना है, वर्ड है, एक्सेल है, आपको मेल कंपोज करना है, मेल फॉरवर्ड करना है, सभी चीजें से हो सकती है। मतलब एमएस आउटलुक आप चला सकते हैं इसके अंदर ऑफिस आने। तो फ्रेंड इसके अंदर आपको पूरा एमएस ऑफिस लेटेस्ट आने 365 मिल रहा है, आप पूरा वर्किंग टीवी के अंदर ही कर सकते हैं, आपको स्पेशली अपना लैपटॉप ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस आप अपना लैपटॉप को पीसी से भी पीसी को आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। प्लस आपके पास अगर मैकबुक है एप्पल का तो भी वो शेयर कर सकते हैं, वो भी बेनिफिट दिया हुआ है एप्पल। ये सैमसंग डेक्स भी वही एक प्रकार से सर, सैमसंग डेक्स यही है कि आप इजी उसे ऑपरेट कर सके, मतलब टाइपिंग वगैरह। अच्छा, टाइपिंग सैमसंग डेक्स वो ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस साथ में इसके अंदर आपको वायरलेस आपका कीबोर्ड आप कनेक्ट कर सकते हैं, माउस कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी इजिली आप कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर आपको सैमसंग का खुद का मतलब ऐप स्टोर मिलता है, उसके अंदर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ढेर सारी मिलती है आपको। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जो हमें नीड होती है, जो लेटेस्ट एप्लीकेशन आज की डेट में आ रही होती है वो अपडेट हो जाती है इस टीवी के अंदर, वो बेनिफिट मिलता है। ऐसा ही नहीं कि जैसे हम लोग आज की डेट में गूगल टीवी देखते हैं या एंड्रॉइड टीवी देखते हैं तो उसके अंदर ये सोचता है कि हैंगिंग का इशू आता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो नीडफुल नहीं है एप्लीकेशन वो भी दे देते हैं, तो उस वजह से टीवी की लाइफ बहुत कम हो जाती है। आप कितने भी बड़े ब्रांड का टीवी ले लो कुछ समय बाद वो हैंग होने लगता है और कभी बहुत दिक्कत आती है, तो जाके सर्विस सेंटर के पर्सन को बुलाना पड़ता है, वो रीस्टार्ट करता है। बिल्कुल सर, तो वो इसके अंदर मैंने नहीं कभी देखा होता है, और वही सेम चीज टाइजन में आपको बेनिफिट ये मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर कुछ इसके अंदर बेनिफिट मिल रहा हो तो बताइए प्लीज हमारे दर्शकों को। बिल्कुल सर, देखिए वैसे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं पर फिर भी जैसे अगर हम मेन मेन चीजों की बात करें तो सर सबसे पहला कि इसका डिस्प्ले जो है वो मैट डिस्प्ले है, सबसे यूनिक डिस्प्ले। एक आपका वन बाउंड कनेक्टिविटी आ गया है, ऑक्सीजन अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको ऑफिस 365 मिल रहा है, स्मार्ट रिमोट आ गया है। साउंड की बात करें तो सर इसके अंदर 40 वॉट साउंड, क्या बात करें 40 वॉट का साउंड इस टीवी में, मेरे को तो लग रहा है कि स्पीकर सही नहीं शायद। नहीं 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 सर, 40 वॉट साउंड। सो फ्रेंड्स जो ओलेड के अंदर मतलब अगर आप कंपेयर करते हैं तो जो ओलेड में यानी आप 1-1.5 लाख का टीवी खरीदते हैं उस टीवी के अंदर जो साउंड आउटपुट मिलता है 40 वॉट का वो इस टीवी के अंदर मिल रहा है। सराउंडिंग साउंड मिलता है इसके अंदर, प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, मतलब टीवी में जो ओलेड के अंदर आपको रिफ्रेश रेट मिलता है वही इसके अंदर मिल रहा है। मतलब आप जो गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं वो मिल जाएगा, जो आप मूवीज के शौकीन है वो मिल जाएगा, न्यूज में हेडलाइंस देखने के शौकीन है वो आपके अंदर इसके अंदर सबसे बेस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी खासियत कि हम टीवी जो लेते हैं हमारे मनोरंजन के लिए लेते हैं, ताकि हमारे आंखों में या हमारे घर में बच्चे हैं जो उनको कोई नुकसान ना हो। तो ये टीवी के अंदर इतना अच्छा बेनिफिट है कि मैट फिनिश डिस्प्ले है, इसके अंदर कोई भी लाइट का रिटर्न रिफ्लेक्शन हमारी आईज पे नहीं आता है। कंपनी ने बहुत में ध्यान रख के हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल जो चीजें वो उसको रख के इन्होंने यानी ये पैनल को बनाया है, तो इसलिए वर्ल्ड का अपने आप में सबसे बेस्ट टीवी है। इसलिए इसको द फ्रेम कहा गया है, द फ्रेम मतलब कि फ्रेम जैसी लुक है, आपके घर में कोई भी ओकेशन हो तो बहुत शानदार टीवी दिखता है। yes, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, वन कनेक्ट सिस्टम बॉक्स है, सारी कनेक्टिविटी आप उसके अंदर कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। और साथ में आपको अभी
यानी एडिशनल ऑफर में इसका फ्रेम एक यानी आपको साथ में मिल रही है सर, और एडिशनल आप अलग से अपने आप जिसका कलर चाहेंगे वो इंटीरियर के हिसाब से आप ले सकते हैं जो जो कंपनी में राइट नाउ अवेलेबल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो फ्रेंड्स ओवरऑल हमने ये इसके अंदर हमने ओवरऑल चीजें कनेक्टिविटी की बात की है, प्लस अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी प्राइस एंड इसके अंदर हम जो अभी स्पेशल ऑफर्स में इसकी जो वारंटीज चल रही है। सो प्लीज संतोष जी बताइए कि इसके अंदर क्या इसका यानी जो सरप्राइजिंग प्राइस है और प्लस इसका जो वारंटीज और क्या चीजें हैं। सर देखिए इसका जो एक्चुअल एमआरपी है वो 1,45,000 का है। ओके उसके बाद इसका 1,20,000 का डीपी है, बट अभी ग्रेट ईस्टर्न पे सर इसका जैसे ईयर एंडिंग और आने वाले क्रिसमस का समय है तो इसलिए कंपनी ने एक स्पेशल ऑफर्स के साथ में इसका जो प्राइसेस रखा है वो 89,990 का है। क्या बात कर रहे हैं, मतलब यानी ऑलमोस्ट 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 40% डिस्काउंट हो रहा है। यस सर 30-40% के समथिंग, मतलब 1,45,000 का फ्रेंड इसकी एमआरपी है और उसके बाद इसका जो नॉर्मली प्राइस था कंपनी प्राइस वो 1,20,000 था एंड राइट नाउ अभी ऑफर प्राइस जो चल रहा है 90,000 है। yes, प्लस ग्रेट ईस्टर्न में और भी एडिशनल ऑफर्स हैं, हिडन रहते हैं, वो आप स्टोर पे जब विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे इसके अंदर बेनिफिट्स और एडिशनल मिलेंगे। प्लस इसके अंदर वारंटीज क्या है सर? सर इसमें कंप्लीट वारंटी जो आ रही है वो 1 साल आ रही है और इसका जो मेन चीज डिस्प्ले है उस डिस्प्ले पे आपको पैनल पे 2 साल वारंटी, अभी 2 साल वारंटी आ रही है। ओके डिस्प्ले पे यानी फ्रेंड इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट की आपको यानी जो उसकी वारंटी मिल रही है नेशनल वारंटी है जो 1 ईयर कंप्लीट है पूरे प्रोडक्ट पे, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम भी अगर समस्या आती है तो उसका कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है, कंप्लीट वारंटी आपको सैमसंग के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से ही मिलेगी। yes, sir. प्लस इसके अलावा एडिशनल जो हमें जो सबसे ज्यादा होता है रिक्वायरमेंट की हमारे यहाँ पे पैनल का जो प्रॉब्लम आता है बिल्कुल. तो कंपनी ने एक्स्ट्रा 1 ईयर का पैनल प्रोटेक्शन आपको दिया हुआ है। yes, sir, yes. उसके अलावा भी ग्रेट ईस्टर्न पे एडिशनल आप वारंटीज नॉमिनल अमाउंट में इसको अपग्रेड करके 5 ईयर्स तक ले जा सकते हैं, कंपनी का 2 ईयर्स प्लस इसके अलावा एडिशनल 3 ईयर्स तक, तो 4 to 5 ईयर्स तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं वारंटी को। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ग्रेट ईस्टर्न देता है। ग्रेट ईस्टर्न भारत का नेशनल ब्रांड है, वहीं पे आज हम आए हुए इंदौर ब्रांच पे टावर स्क्वायर पे, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज बेनिफिट मिल रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो तुरंत मिल जाता है, जैसे कि द फ्रेम लॉन्च हुआ और यहाँ पे अवेलेबल है। yes. और डिस्प्ले में लगा हुआ है, ऐसा भी नहीं कि पैक बॉक्स है, तो आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है, लाइव चला के बताया है। सो आई होप संतोष जी आपने मेरे ख्याल से पूरी चीजें इसको कवर करी आपने ए टू जेड फीचर्स इसके अलावा। yes, बाकी आप बाकी ग्रेट ईस्टर्न पे आए और संतोष जी से मिले तो और ज्यादा आपको एक्सपीरियंस चला के बताएंगे। yes, इसके अंदर और क्या क्या बेनिफिट्स एडिशनल मिलते हैं, क्योंकि जब तक लाइव नहीं देखेंगे तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बाकी फिर भी हमने कोशिश की इस वीडियो में कि आपको एवरीथिंग सारी चीजें कवर करें इस प्रोडक्ट में, ताकि आपका डाउट क्लियर हो कि हमें ये टीवी लेना था या नहीं लेना था। तो मुझे तो लगता है कि 101% मुझे ये टीवी लेना चाहिए, अगर मेरा प्लान ओलेड या कोई भी, मैं 60-70 हज़ार का बजट लेकर प्लान चल रहा हूँ टीवी का, तो 80-90 हज़ार में टीवी बुरा नहीं है, सबसे बेस्ट है, इससे अच्छी चीज मैंने इंडिया में अभी तक देखी नहीं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच संतोष जी, आपने हमें इतना कीमती समय दिया, इतना अच्छे प्रोडक्ट गाइडेंस हमको दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज हम और भी आगे हमें बताइएगा, हम सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।